हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यूपी पीसीएस के लिए यहां पर मैथ सेक्शन को मैं देख रहा हूं और जिसका आज आप लेक्चर दूसरा देख रहे हैं और टॉपिक आपको पता ही है, मैंने रखा था संख्या पद्धति। एक अच्छा टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, संख्या पद्धति में विभाज्य हेडिंग महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ इसके योगफल और दूसरी चीज जो तार्किक क्षमता के प्रश्न पूछे जाते हैं खासा महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा विभाज्य के इस पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हेडिंग मैंने किया था भाग के लंबी विधि पर प्रश्न, और उस लंबी विधि सेक्शन के अंतर्गत पहला हेडिंग आपने सूत्र पर प्रश्न को देखा था, जिसमें हमने आपको क्या बताया था, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध को स्थापित कैसे किया जाता है। अब यहां पर दूसरा हेडिंग आप देख पा रहे हैं, भाग के लंबी विधि पर तीन प्रकार के प्रश्न थे, जिसका दूसरा हेडिंग है जब प्रश्न में दो बार भाग देने की शर्त हो। अच्छा, जब प्रश्न में दो बार भाग देने की शर्त होगी तो कैसे पहचान में आएगा कि यहां पर दो बार भाग देने की शर्त है। अब सेक्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा, जब दो बार भाग देने की शर्त होगी तो इसकी क्या विशेषता होगी, क्या पहचान होगी, कैसे हम जानेंगे कि दो ही बार भाग देने की शर्त है। वैसे प्रश्न का स्ट्रक्चर इतना सिंपल होता है कि देख के हम बता सकते हैं। फिलहाल इतना ध्यान देना, ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है। मतलब जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, जो पहला वाला भाजक होगा वो हमेशा दूसरे वाले भाजक से क्या होगा, विभक्त होगा। जो पहला भाजक होगा हमेशा दूसरे भाजक से क्या होगा, विभक्त। और इस प्रकार के प्रश्न में सदैव दूसरे स्थिति का शेषफल पूछा जाता है। मतलब पहले स्थिति का शेष दिया होगा, दूसरे स्थिति का शेषफल हमसे पूछा जाता है। अब यहां पर सवाल यह है कि इस दूसरे स्थिति का शेषफल निकालेंगे कैसे। देखिए, जो भाग देने की जो दो कंडीशन होगी उसमें जो पहला वाला भाजक होगा वो पहला भाजक दूसरे से कट जाएगा, ये कंडीशन है। और जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आपसे दूसरे स्थिति का शेषफल पूछा जाएगा। अब दूसरे स्थिति का शेष कैसे निकलेगा, तो दूसरे स्थिति का शेषफल जब ज्ञात करना हो तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले शेषफल में ही आपको पहले वाले शेषफल में इस दूसरे वाले शेष से क्या करना है, सॉरी दूसरे वाले भाजक से भाग देना। मतलब पहला वाला शेष दिया रहेगा, दूसरा शेष पूछा जाएगा, और दूसरा शेष कैसे निकालेंगे, पहले वाले शेष में दूसरे वाले भाजक से भाग कर देंगे। अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, इस प्रश्न के नेचर को ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रश्न हमने ये लिखा, किसी संख्या में दो सौ चालीस से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है, 47 शेषफल कितना बचता है, 47 बचता है। अब हमारा सवाल यह है कि यदि उसी संख्या में, सिमिलर नंबर में, यदि उसी संख्या में 16 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा। चलिए कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा। हमने ये लिखा है कि किसी संख्या में 240 से भाग देने पर, वो संख्या है कौन सी नहीं पता। अब बात समझिएगा, ये कोई संख्या है कौन सी है नहीं पता, लेकिन जब किसी संख्या में मैं 240 से भाग देता हूं, जैसे ये संख्या है और इस संख्या में जब मैं 240 से भाग देता हूं तो शेषफल कितना बचता है,
शेषफल कितना बचता है 47, 47। अब हमारा ये सवाल है कि यदि उसी संख्या में, किस संख्या में, जिस संख्या में हमने 240 से भाग दिया था, यदि मैं उसी संख्या में भाग दूं किससे, 16 से, तो सवाल यह है कि शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए दो बार भाग देने की कंडीशन है, एक बार दो बार, और मैंने बताया था कि जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे जो पहला भाजक होगा वो हमेशा दूसरे वाले भाजक से विभक्त होगा, मतलब 240 16 से निश्चित तौर पर कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। और मैंने यह बताया था कि ऐसे प्रश्न में सदैव दूसरे वाले स्थिति का शेषफल पूछा जाता है। अब बात समझिएगा, देखिए यहां पर आप देखे हैं कि ऐसे प्रश्न में पहला भाजक हमेशा दूसरे भाजक से क्या होता है, विभक्त, और इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा दूसरे स्थिति का शेष पूछा जाता है। अब दूसरे स्थिति का शेष कैसे आएगा, तो दूसरे स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए जो पहला वाला शेष है उसी में दूसरे भाजक से भाग कर देते हैं। अब मेरे बात को समझिएगा, यहां पर जो हमारा प्रश्न था, चलिए जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न तो गायब हो गया, प्लस दूसरे पेज पर था, चलिए मैं लिख ले रहा हूं, प्रश्न हमारा यह था कि किसी संख्या में ₹240 से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है, यही सवाल था, शेषफल 47 बचता है। अब हमारा सवाल यह था कि यदि उसी संख्या में, यदि उसी संख्या में 16 से भाग दें तो शेष क्या होगा, चलिए शेष क्या होगा। अब देखिए प्रश्न को ध्यान से समझें कि जैसे ये कोई संख्या है और जब इस संख्या में हमने 240 से भाग दिया तो शेषफल बचा 47। हमारा सवाल यह था कि यदि उसी संख्या में मैं भाग दे दूं 16 से तो शेषफल कितना बचेगा। अब मेरे बात को समझिएगा, इस दूसरे स्थिति का शेष निकालना है। हमने यह बताया कि दूसरे स्थिति का शेष निकलेगा कैसे, जैसे सवाल यह था कि यदि उसी संख्या में 16 से भाग दे, तो कौन सी संख्या में 16 से भाग दे ये तो पता है नहीं। अब आपको संख्या निकालने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, पहला शेष 47 है, आप इसी 47 में ही भाग दे दीजिए, किससे, 16 से, तो 16 से 16 दुना 32, क्योंकि 16 तो 48 हो जाएगा, शेषफल कितना आएगा 15। तो यदि उसी संख्या में मैं 16 से भाग दूं तो शेषफल कितना बचेगा 15, डायरेक्ट उत्तर हो गया, मतलब आपको यह संख्या निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा, प्रश्न का लिमिटेशन यहां तक नहीं होता, कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी प्रश्न यह होता है कि संख्या में 240 से भाग देने पर शेष 47 बचता है। अब सवाल यह हो जाए कि यदि संख्या के 5 गुने में, मतलब जितना संख्या है यदि उस संख्या के 5 गुने में 16 से भाग दे तब शेष क्या आएगा, तो आपको 5 गुना जरूर करना है लेकिन संख्या निकालकर नहीं, आपको 5 गुना किसका कर देना है, जो पहला शेष बचा है, तो 47 का 5 गुना कर दीजिए, जितना वैल्यू आए बस 16 से भाग दे दीजिए, शेषफल आ जाएगा। और यदि यह कहा जाए कि यदि उस संख्या के स्क्वायर में, संख्या के यदि वर्ग में 16 से भाग दे तब शेष क्या आएगा, तो आपको वर्ग जरूर करना है लेकिन इस संख्या का नहीं, बल्कि जो पहला शेष 47 है यदि इसी का वर्ग कर दे, 47 का वर्ग, फिर जितना आ जाए बस 16 से भाग कर दीजिए। यदि यह कहा जाए कि संख्या के क्यूब में 16 से भाग दे तब शेष क्या आएगा, तब कैसे हल करेंगे, आपको क्यूब जरूर करना है लेकिन जो पहला शेष 47 है बस इसी का क्यूब कर दे, जितना है 16 से। कहने का मतलब जो भी चीज कहा जाए, चाहे गुना, चाहे वर्ग, चाहे घन, वो सब किसके साथ करेंगे, पहले शेष के साथ।
और पहले शेष के साथ वो क्रिया करने के बाद जिससे भाग कहे आप भाग कर दीजिए। अब बात को समझिएगा, ये तो कंडीशन आप देख ही रहे हैं, इसमें एक बात नोट कर करिएगा, नोट ये करना है कि ऐसे प्रश्न में, मतलब जब भी ऐसे प्रश्न आए, ऐसे प्रश्न में यदि संख्या में भाग देने की बात नहीं कहे, बल्कि यदि संख्या के n गुने, यदि संख्या के n गुने या संख्या के वर्ग, या संख्या के वर्ग या संख्या के घन में भाग देने की बात की जाए, या संख्या के घन में भाग देने की बात की जाए, भाग देने की बात की जाए तो ठीक वही क्रिया, मतलब जो भी चीजें कही जाए तो ठीक वही क्रिया पहले शेष के साथ करके, तो ठीक वही क्रिया पहले शेष के साथ करके क्या करना, दूसरे भाजक से भाग दे देना, दूसरे भाजक से भाग दे देते हैं। बात समझिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आए और कहा जाए संख्या के n गुने, ध्यान देना संख्या के n गुने, n गुना मतलब दो गुना, तीन गुना, चार गुना, या फिर संख्या के वर्ग, या संख्या के वर्ग में बात किया जाए, या फिर संख्या के घन में भाग देने की बात की जाए, तो आपको करना क्या है, भाग देने की बात की जाए तो ठीक वही क्रिया, मतलब जो भी बातें कही जाए वही क्रिया किसके साथ करेंगे, जो पहला वाला शेष है इसके साथ, और पहले शेष फल के साथ करके बस आपको दूसरे भाजक से क्या करना है, भाग दे देना है। तो ये कंडीशन आप समझ रहे हैं। चलिए अब मैं इसका एक प्रश्न लिख रहा हूं, चलिए प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लिया एक प्रश्न मैंने लिया, हमने ये लिखा कि किसी संख्या n में 69 से भाग देने पर, 69 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है, शेषफल 7 बचता है, तो हमने लिखा 5n में 23 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 23 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। चलिए अभी ध्यान देना, सवाल यह हमारा है कि किसी संख्या n में, कोई संख्या है, यह संख्या कौन सी है, n, और किसी संख्या n में हम किससे भाग देते हैं, 69 से, तो जब संख्या n में 69 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 7। अब हमारा सवाल यह है कि तो 5n में, कितने n में, 5n में किससे भाग देने पर, 23 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। अच्छा यहां पर बात समझिएगा, यहां संख्या n है तो यहां 5n है, मतलब यदि यहां संख्या है तो यहां इसका 5 गुना है, मतलब n है तो ये n का 5 गुना है, कहने का मतलब उस संख्या के 5 गुने में 23 से भाग दें तो शेष कितना आएगा, तो 5 गुना तो हमें जरूर करना है, लेकिन संख्या निकाल कर नहीं, अब ये नहीं सोचना कि n क्या है, n की वैल्यू क्या है, किसका 5 गुना करें, बस आपको इसी का 5 गुना कर देना है, पहले शेष का 5 गुना, तो 7 पंचे 35, बस आप 35 में ही भाग दे दीजिए, किससे, 23 से, जिससे भाग देने की बात कह रहा है, 23 एक का 23, शेषफल कितना बच गया, 12, यही उत्तर हो गया। और यदि यह कहा जाता कि यन में 69 से भाग देने पर शेष 7 बचता है,
तो यम स्क्वायर में 23 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, तो स्क्वायर हम 7 का कर देते, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता, तब 49 में 23 से भाग कर देते, 23 दुना 46 शेष 3 बच जाता। तो ये सेंस समझ रहे हैं। और यदि यन के क्यूब में 23 से भाग देने की बात करता तो 7 का क्यूब कर देते 343 आता, तब 23 से भाग दे देते। मतलब बेहद आसान पार्ट था, इस सेक्शन को आप समझ रहे हैं। इसकी क्राइटेरिया बस इतनी ही है, लिमिटेशन बस इतना ही है। अब देखिए विभाज्य सेक्शन में भाग के लंबी विधि की जो मैं बात कर रहा था, इसमें कुल 3 टाइप के प्रश्न थे। कुल कितने टाइप के प्रश्न थे? 3 टाइप के। चलिए ये तो अस्थाई हो गया क्या जो मैंने बना दिया था। चलिए अभी यदि मैं चलिए अब तो सब गायब हो गया। देखिए इसमें जो मैं बात कर रहा था, भाग के लंबी विधि में कुल 3 प्रकार के प्रश्न थे। अब हम तीसरा हेडिंग करेंगे, 2 हेडिंग तो क्लियर हो गए। भाग के लंबी विधि पर यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो इसका तीसरा हेडिंग है योग अंतर पर प्रश्न। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाग में जोड़ घटाना कहां से आ गया, तो चलिए इस सेक्शन को हम ध्यान से समझते हैं। बहुत ही आसान सेक्शन ये भी है। अब देखिए चलिए योग अंतर वाले प्रश्न की बात करें तो सेक्शन को बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि जैसे हमने 39 में 7 से भाग दिया तो 7 से 5 बार में 35 हो गया, शेषफल 4 बचा। भाग देने की इस प्रक्रिया को हम लंबी विधि के नाम से जानते हैं। अच्छा इसी पर विचार करिए, मैं आपसे कह दूं कि 39 में कौन सी छोटी संख्या घटा दे, 39 में कौन सी छोटी संख्या घटा दे कि 7 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाए। बताइए 39 में क्या घटा दे कि 7 से कट जाए, तो 7 पंचे 35 शेष 4 बचा। अब आप कहेंगे जितना बचा है, जैसे 4 बचा है तो यही 4 यदि 39 में से घटा दे तब तो ये 39 में 4 घटाएंगे 35 हो जाएगा, 7 से 5 बार में कट जाएगा। मीन्स यदि मैं आपसे कहूं कि घटाई जाने वाली संख्या, तो घटाई जाने वाली संख्या वही होगा जो शेषफल होगा। मतलब पहले भाग दे दीजिए और भाग देने के बाद जितना शेषफल बचे बस वही घटा दीजिए, तो घटाई जाने वाली संख्या क्या हो जाएगा? शेषफल। अच्छा मेरा सवाल सब कुछ यही हो और मैं आपसे कह दूं कि 39 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दे कि 7 से विभक्त हो जाए, तो 7 पंचे 35 शेष 4 बचा। अब आप 39 पर विचार नहीं करिए, आप इसी 4 पर विचार करिए और हमें बताइए कि मैं 4 में कितना जोड़ दूं कि 7 से कट जाए। तो आप कहेंगे 4 में 3 जोड़ दीजिए, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, तो 7 से एक बार और चला जाएगा। मतलब मैं आपसे पूछूं 3 कहां से आया, तो आप कहेंगे भाजक में शेष घटा दीजिए, भाजक 7 है शेष 4 है, और 7 में 4 घटा देंगे तो यही 3 की कमी पड़ रही, यही 3 जोड़ दे। मतलब यदि मैं आपसे जोड़ी जाने वाली संख्या की बात करूं तो पहले आप भाग दीजिए और भाग देने के बाद शेषफल नहीं जोड़ना बल्कि भाजक में से शेष घटा दीजिए, और घटाने के बाद जितना मान आए बस वही आपको जोड़ देना है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, चलिए इस पर मैं बात करता हूं। मैं एक प्रश्न यहां से ले रहा हूं। हमने प्रश्न ये देखिए, प्रश्न इसमें जो जिन नेचर से बनता है, एक प्रश्न तो ऐसा होता है कि जोड़ना है कि घटाना है लिखा रहेगा, लेकिन इसी पर दूसरे नेचर का जो प्रश्न आता है उसमें जोड़ना है कि घटाना ये लिखा नहीं रहेगा, बल्कि वो सेंस पर आधारित होगा, सेंस को पकड़ना होगा। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो शुरुआत अंकों से होती है, जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ऐसे प्रश्न की भी मैं बात करूंगा। पहले एक प्रश्न देखें, हमने लिखा 4707 4707 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए, कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए
कि यह 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए अब सवाल मेरा ध्यान से समझिएगा, हमारा सवाल यह है कि 4707 में, किसमें 4707 में, इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ें कि ये पूरी तरीके से कट जाए, किससे 42 से। तो पहले हम क्या करें, पहले तो आप 42 से भाग दीजिए और देखिए कि स्थिति यहां पर क्या बन रहा है। तो अब बात समझिएगा, 42 इक्का 42, 47 में 42 घटाएंगे 5 आएगा, ये जीरो नीचे नोट करेंगे, फिर 42 इक्का 42, 50 में 42 घटाएंगे 8 आएगा, अब ये 7 नीचे नोट करेंगे, 42 दुना 84 और शेषफल कितना बचा 3। अच्छा अब मेरे बात को समझिएगा, यदि मैं सवाल ये कहा होता कि 4707 में कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए, मतलब जोड़ने के बजाय यदि मैं पूछा होता कौन सी छोटी संख्या घटा दे कि 42 से विभक्त हो जाए, तो आप यही कहेंगे कि ये 3 शेष बच गया है, और यही 3 को यदि 4707 में यदि यही 3 घटा दे तो 42 से 112 बार में कट जाएगा, मतलब घटाई जाने वाली संख्या कितनी होगी 3। लेकिन बात यहां घटाने की नहीं है, यहां जोड़ने की बात है, सवाल यह है कि इसमें कितना जोड़े कि 42 से कट जाए, तो इस पर विचार नहीं करिए, आप इस पर विचार करिए और हमें बताइए कि 3 में कितना जोड़े कि 42 से कट जाए, तो आप बोलेंगे 39। मैं पूछूं कैसे, तो आप बोलेंगे कि इस भाजक में शेष घटा दीजिए, इसलिए सीधा सा उत्तर हो गया जोड़ी जाने वाली संख्या भाजक माइनस शेष, तो भाजक कितना है 42, शेषफल 3 है, घटा दीजिए 39, बस यही 39 आप इसमें जोड़ दीजिए तो 42 से 113 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। इसमें जोड़ना है कि घटाना है ये लिखा है, लेकिन प्रश्न का एक नेचर और आप देखिएगा, प्रश्न का एक नेचर और आप समझिएगा, जैसे हमने प्रश्न ये लिखा चार अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो दो सौ सोलह से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अच्छा बताइए कहीं जोड़ना घटाना लिखा है क्या, जोड़ना है कि घटाना, ऐसा कुछ मैंने प्रश्न में लिखा है क्या? नहीं। अब ये सेंस पर आधारित है, उस सेंस को हमें पकड़ना है। देखिए चार अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए, आप सभी जानते हैं चार अंकों की जो अधिकतम संख्या होता है वो 9999 होता है। कितना होता है? 9999। लेकिन हमें ऐसी अधिकतम संख्या बतानी है जो 216 से कट जाए। भले ही चार अंक की अधिकतम संख्या 9999 है, लेकिन ये 216 से नहीं कटेगा। कौन 216 से नहीं कटेगा? 9999। अब ऐसी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जो 216 से कट जाए, विचार करें। अब देखिए वो संख्या जो भी होगी 9999 के करीब ही कोई होगी। अब या तो 9999 में हम कुछ जोड़ेंगे तब 216 से कटेगा, या तो 9999 में से कुछ घटाएंगे तब 216 से कटेगा। मैं यहां जोड़ तो सकता नहीं, क्योंकि 9999 में यदि कुछ जोड़ देंगे तो 5 अंक में हो जाएगा, हमें 5 में नहीं, हमें 4 अंक में बताना है, तो जोड़ तो नहीं सकते। हाँ यदि इसमें से कुछ छोटी संख्या घटा दे, इसमें से कुछ छोटी संख्या घटा दे, तो अब घटाने के बाद जो मान आए वो 216 से क्या हो जाए, विभक्त। अब सवाल यहां पे ये है कि 9999 में ये कितना घटा दे कि घटाने के बाद जो मान आए वो 216 से कट जाए, मतलब ये कौन सी संख्या होगी, विचार करें। तो पहले आपको करना क्या है,
9999 मतलब चार अंकों की अधिकतम संख्या में पहले 216 से भाग लगाइए, तो ये चार बार में 864 हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 6 3, 9 में से 8 1। अब यहां पर 9 बचा है, इसको नीचे नोट कर लीजिए, 1359 हो जाएगा। अब 216 से भाग करिए, 1359 में 6 बार ले जाएंगे तो 1296 हो जाएगा, 9 में से 6 गए 3, 15 में से 9 गए 6, शेषफल कितना बचा 63। अच्छा एक बात समझिएगा, 9999 में जब मैंने 216 से भाग दिया तो 63 शेष बच गया। अब यही 63 घटा दीजिए किसमें से, 9999 में से, यदि यही 63 घटा दें तो ये 9936 आ जाएगा, और यही चार अंकों की बड़ी संख्या होगी जो 216 से कट जाएगी। इसलिए वह अधिकतम संख्या क्या होगा बताइए, वह अधिकतम संख्या चार अंक में क्या होगा, वह अधिकतम संख्या 9999 नहीं होगा बल्कि इससे 63 कम होगा, क्योंकि जितना शेष बचा है वही घटा दीजिए, तो 9936 यही चार अंक की अधिकतम संख्या है जो 216 से क्या होगी, कट जाएगी। अच्छा एक सवाल मैं आपके लिए दे दे रहा हूं, आप इसे ट्राई करिएगा सेंस के आधार पर। जैसे मैंने सवाल यह लिखा, पांच अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। चलिए मैं ऑप्शन इसके लिए दे रहा हूं, आप स्वयं से ट्राई करें। चलिए इसे आप खुद से लगाएंगे। तो भाग के लंबी विधि पर प्रश्न, ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे फिर से मिलूंगा भाग घातांकी भाग के प्रश्न को लेकर, क्योंकि विभाज्य के कुल चार हेडिंग थे जिसमें एक हेडिंग कंप्लीट है। तो आज की क्लास फिलहाल बस इतना ही, नेक्स्ट में आपसे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।